आपका तत्काल मुहूर्त आपके पास, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बने रहें और हमारे साथ समय समय पर हर मुहूर्त की जानकारी आपको देता हूं। लेकिन आज आपको ऐसे कुछ मुहूर्तों की जानकारी दे रहा हूं जो आपके लिए तत्काल में काम आ सकते हैं। दो चीजें तत्काल में जब भी बात आती है तो एक तो चाहे हम डेली हॉरोस्कोप की बात करते हैं या फिर किसी प्रकार से हम तत्काल मुहूर्त की बात करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने दैनिक चंद्रमा को देखना है। यानी आपकी जो राशि है, आपकी राशि का चार्ट बना के उस दिन गोचर का चंद्रमा कहां बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेष राशि है और वृश्चिक राशि के अंदर आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो आपकी राशि से वह चंद्रमा अष्टम कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में आठवें चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता है, तो आपको यहां पर वो कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं यहां पर रवि योग और साथ में कार्य सिद्धि योग, दो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य सिद्धि योग की। अगर जनवरी 2023 के अंदर आप सडनली कोई आपको कार्य करना पड़ रहा है, आपका तत्काल मुहूर्त कार्य सिद्धि योग, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये कब कब पड़ेगा इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यहां पर कार्य सिद्धि योग 2 तारीख को रहेगा, जो सूर्योदय से लेकर शाम 4:22 तक रहेगा। उसके बाद 11 तारीख को, जो कि दिन के 11:09 तक रहेगा, 12 जनवरी को 1:00 यानी 2 बजे से लेकर और सूर्योदय तक अगले दिन 13 तक रहेंगे। 17 को ये रात में 4:36 से लेकर अगले दिन 18 को सूर्योदय तक रहेंगे, जबकि 18 तारीख के अंदर 6:41 से 19 के सूर्योदय तक रहेंगे। 23 तारीख को यानी 23 जनवरी को ये सूर्योदय से अगले सूर्योदय 24 तक रहेंगे। 27 को कार्य सिद्धि योग जो है 8:50 प्रातः से लेकर के और अगले दिन 28 के सूर्योदय तक रहेंगे। कार्य सिद्धि योग 30 जनवरी को 12:22 से लेकर मध्यान्ह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेंगे, जबकि 31 को 9:36 से अगले दिन 1 फरवरी के सूर्योदय तक रहेंगे। तो ये था कार्य सिद्धि योग, बहुत ही शुभ मुहूर्त। आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तमाम प्रकार के हर मुहूर्तों को मैं आपको प्रत्येक महीने भी देता हूं, और ये तत्काल के मुहूर्त आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। तो तक हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।